हाय भाई, गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मैं जान। ना तो नदीम। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है कि भाई साहब, मैं को टाइटल देकर शॉक लग गया कि भारत में झोपड़ी पट्टी में रहने वाली औरतों ने ऐसी अंग्रेजों के साथ इंग्लिश बोली के अंग्रेज देखकर हो गए पागल। अंग्रेजों के साथ झोपड़पट्टी की औरतों ने, ये क्या भेजा तुमने? मतलब झोपड़पट्टी जो थी ना, हाँ, वो झोपड़ी लोग होते हैं, जो गरीब लोग योजना। झोपड़ी हाँ, लोग होते हैं वो, वो तो अनपढ़ होते हैं, पापा वही तो। लेकिन वो इंग्लिश, लेकिन अभी उन्हें एक इंग्लिश तो नहीं आती यार। बिल्कुल यार, देखो कि एजुकेशन बंदा लेता है तब भी हाँ बंदा हाँ सही बोल बिल्कुल। पाता है, लेकिन ये सीन क्या बिल्कुल दिमाग से बाहर है। ये हाँ सीन ना मैंने देखा, लेकिन अब आगे वॉच करते कट ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है रवि शर्मा पुष्कर चैनल पर। अच्छा, आज मैं आपको ऐसी महिलाओं से मिलाने जा रहा हूँ हाँ जो झुग्गी झोपड़ी में रहती है, अच्छा, कभी स्कूल नहीं गई है, हाँ पर फर्राटेदार इंग्लिश बोलती वो है। ये वीडियो भाई है तो भूल भी नहीं राजस्थान गई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य शिक्षण संस्थानों के बच्चों के लिए जो इंग्लिश को एक भ्रम समझते हैं, इंग्लिश को एक कठिन लैंग्वेज समझ सकते हैं। पर देखिए वाह किस बिल्कुल प्रकार जो होते झुग्गी हैं झोपड़ी में ना, रहने वाली महिलाएं फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही है, जिन्होंने कभी स्कूल का चेहरा भी नहीं देखा कैसे है। आइए मैं दिखाता हूँ, ये पुष्कर का एक वही इलाका है जहाँ पर काफ़ी गरीब लोग भी रहते हैं और मेहनत करते हैं और किस प्रकार से अपनी आजीविका का पोषण करते हैं। नमस्ते, विच योर कंट्री? वी आर फ्रॉम इटली। इटली, चाओ चाओ, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। यू फ्रॉम? यस, पुष्कर। आई फ्रॉम पुष्कर। आई लिव इन टेंट इन ब्लैक डेजर्ट। इन डेजर्ट? यस। व्हेन यू कम पुष्कर? 2 weeks ago. Tell place. How you like the Pushkar? All. All. People. Lake. Yes. Brahma temple. You make some business? Yes. ये देखो, हॉलीडे हॉलीडे इंडिया वाली देख कैसी बोल रही है। माय सन, माय सन, माय डॉटर्स, हाउ आर यू? ओए ओए, माय सन, माय डॉटर, व्हाट्स योर नेम? दिस नेम प्रिंस एंड करीना। करीना, नाम भी बता। नाइस मीट यू करीना। नाइस मीट यू। यू हैव अ चिल्ड्रन? आई हैव टू चिल्ड्रन। हां, टू चिल्ड्रन, वन बॉय वन गर्ल। गर्ल एंड आई हैव फोर। लेकिन गर्ल मैं I have big son 11 years old and another daughter mine 9 years and one son my 7 years and my little daughter 4 years. Oh, 4 years smaller. Your baby go to school? Bhai, of course my children are going to school because I never been the school because when I am child and my parents lose. And I go street, I make the begging, and now I don't want like I teach the same job my children, and that way for now I my feel my dream I want like my children go school. When I'm starting to school. I'm never been to school, and I never see school. Just I going market in history, I follow priest, and I learn the English. You speak good English. Good English. Yes. This is important because you can speak with the people. Important because your baby listen you and चलो start तो समझ yeah, जाती my है। baby also starting little speaking English because I want she more also little time. Yes, this important for the future for. And I also learn more to English. I like yes. because I never been in school because I speak for tourist. I translate tourist. I listen here and I thinking what she speak and then I speak good. This is important. And I want more. When I'm child, like my age, like 7 years, I'm baby. I go street market and I follow to him. दोस्तों, देखा किस प्रकार से फर्राटेदार इंग्लिश यहाँ पर बोली जा रही है इन पुष्कर की महिलाओं के द्वारा। एकदम कभी स्कूल नहीं गई, कभी स्कूल की डेहरी नहीं चढ़ी, बट इंग्लिश देखिए इनकी फर्राटेदार। Important for you and for your baby. But I have also. यार मुझे तो. Yes, we have some. We have some something for your baby. Some for the Pakistani or the British. जो तो जमाल है बात भी हो तो वो भी. Where from? Italy. Roma. Roma. What's your name? Vanessa. My name is Vanessa. My name is Claudia. वेनेसा और क्लाडिया यहाँ पुष्कर आई है और आपका नाम बताइए। मेरा नाम संतोष है। इसका नाम संद्रा। संद्रा, आप स्कूल कभी गई? नहीं, कभी नहीं गई। नहीं। आप बताइए हमारे भारत के छात्रों को, आप कभी भी स्कूल नहीं गई और इंग्लिश बोलती है बहुत ही फर्राटेदार? मैंने कभी अपनी जिंदगी, इतनी बड़ी हो गई, मैं 7 साल की थी जब मैं मार्केट पे गई थी। अच्छा। वहाँ पे मैंने इंग्लिश सीखी थी और मैंने कभी भी स्कूल का मुंह नहीं देखा। ओ, 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 ओ। आज तक भी नहीं देखा। और आपने? हमने भी नहीं देखा कभी स्कूल का मुंह। तो दोस्तों देखिए,
मेहनत, ईमानदारी और लगन एक ऐसी चीज होती है जो आपको हर चीज सिखा देती है। तो इंग्लिश आप भी बोलिए, इंग्लिश कोई टफ लैंग्वेज नहीं है। वीडियो अच्छा लगा या नहीं? अबे दरू ये वीडियो खत्म यार, मैं खुद कसम से मेरे रंग उड़ गए हैं ये चीज देखकर। एक झोपड़पट्टी का लोग जिनको अपना नहीं पता होता, जिनके पास दो टाइम का टू बी ऑनेस्ट खाने को खाना नहीं होता, उनके पास एक सर पर छत नहीं होती। देखो ये हर देश के अंदर है, ठीक है, लेकिन भाई उसका लोग भी इतना एजुकेटेड टाइप के भाई इंग्लिश बोलता हूँ कहता हमने कभी मतलब के स्कूल का मुंह नहीं देखो। जब वो दो अंग्रेज नहीं आई उनके साथ भाई ऐसी इंग्लिश बोल रही है, इंग्लिश में बता रही है मेरा ये नाम है, मेरे इतने बच्चे, मेरे एक एक बच्चे की इतनी उम्र है, एक एक बेटी की मेरी ये उम्र है। कहती कि भाई मैं मतलब मेरे माता पिता मर गए थे, फिर भाई मतलब मैं स्ट्रीट पर आ गई, मैंने बेगिंग में मतलब भिखारी में बन गई, फिर उसके बाद मुझे चीज़ पसंद नहीं आई तो मैंने अपने काम शुरू कर दिया। कैसे यार पाकिस्तानियों जरा सी शर्म कर लो, देखो यार यकीन मुझे पता है कोई इंडिया का साथ बंदा खड़ा हो ना समझ आता है कि इनके साथ को बातचीत कर रहा हो। वो गोरे अबे गोरों के साथ भाई बातें कर रही ऐसी बातें कर रही, वो भी हैरान है कि इन्होंने स्कूल गई नहीं थी, इंग्लिश कैसी बोल रही तो हमसे भी जबरदस्त। वही ना, और भाई साहब पाकिस्तानियों देखो हमारा भाई साहब 16 क्लास का बंदा इन भारत की झोपड़पट्टी वाले लोगों से भी नीचे है भाई। हमारे यहाँ नहीं इंग्लिश इतनी इनको बोलने आती, और वहाँ के झोपड़पट्टी के लोगों को देखो वो किस तरह इंग्लिश बोल रहे हैं। ये भारत के लिए एक प्राउड की बात है कि वहाँ का एक मतलब के झोपड़ी में भी रहने वाला बंदा आज इंग्लिश बोल रहा है और भाई साहब दुनिया को पीछे छोड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत प्राउड की बात है। वजह गरीब लोग भाई स्कूल तो गए ही नहीं है ना, इतनी फराटेदार इंग्लिश, इतनी जबरदस्त इंग्लिश मैंने कभी नहीं सुना यार ना देखा। पाकिस्तान के स्कूल बंद से लेके 14वीं तक ऐसी इंग्लिश नहीं बोल सकता जो इंडिया की अनपढ़ लड़कियां बोल रही हैं। कसम से यार, कसम से मैं तो हैरान रह गया हूँ ना, ऐसी इंग्लिश तो टू बी ऑनेस्ट मैं भी ना बोल पाऊँ। कैसा जवाब उनको दे रही थी, कैसा जवाब मतलब यार देखो टाइम के साथ साथ सब कुछ होता है, लेकिन यार भारत के झोपड़ी का लोग इतना ज्यादा आगे, और यार ये यार पाकिस्तानियों देखो उनको, उन्होंने आखिर बना क्या रखा हुआ है भाई। उनकी झोपड़ी का लोग इंग्लिश बोल रहा है, वहाँ का एजुकेटेड लोग है, और हमारे यहाँ क्या कर, हमारे यहाँ पढ़े लिखे गधे घूम रहे हैं। बिल्कुल, ये तो सारी अनपढ़ खोते हैं भैया। एक बात है, इंडियन मेहनती और ईमानदार है, ये बात इंडियन मेहनती और ईमानदार है, ये ईमानदारी की मिसाल आपके सामने देखा एग्जाम्पल। शौक है इनको, वो देखो ना वो कहती है कि भाई ये बैठे बैठे किसी से बात करती होंगी अपने आप, कहती है कि भाई मैं अभी और भी सीखना सीखूंगी, सीखना चाहती हूँ, मुझे शौक है भाई, शौक है। मैंने ये सारी मार्केट में निकली तो मुझे ये सारी इंग्लिश आई, जब अगला बोलता है मैं सुनती हूँ, फिर उससे रिलेटेड मैं जवाब देती हूँ। ये देखना यार, खाली सुन सुन के देखो, एक दूसरे को देख देख के, आस पास झोपड़ियाँ थी, पीछे गायें घूम रही थी, कचरा था, और भाई सब सारे वो लाइफ जिस तरह एक झोपड़ी के लोगों की होती है वो थी, और लेकिन औरतों की इंग्लिश उन्होंने तो टोटली भाई हमारे रंग उड़ा दिए कि भाई आखिर मैं पहले सोच रहा था क्या पता है मैं कोई छोटी मोटी एक आध लाइन मार दे तो मार दे, लेकिन अगली से वो फोन इंग्लिश में तो गौरव के होश उड़ा दिए उसने, तो इटली से आई हुई थी उनके रंग उड़ा दिए वो भी ईरान के भाई, ये बोल के सीरे नहीं, सोचने वाली बात है ना, एक बंदा एजुकेटेड ना हो, पढ़ा लिखा ना हो, इंग्लिश बोलता हो फराफर। यार देखो आज ये बात प्रूव हो गई है कि भारत के वो लोग जिन्होंने स्टडी नहीं की, नहीं की, वो भी आज इंग्लिश बोलते हैं। ऐवे तो नहीं बोलते ना कि इंग्लिश इंडिया में 100% है, बिल्कुल बोली जाती ये है, ये बात आम से 100% झोपड़ी से लेकर ऊपर तक सारी इंग्लिश बोल, सारी इंग्लिश बोल, इसकी मिसाल दुनिया के सामने ये है। सही बोला, तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते।